हाय, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग फील हो रही है, टायर्डनेस फील हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, तो ये सब किसके साइंस हैं? ये सब बदलते मौसम के साइन हैं, क्योंकि एकदम से इंडिया में क्या होता है कि एकदम से मौसम बदल जाता है। स्प्रिंग सीजन तो हमें इंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलता। फेब आई थी, मार्च लगता था कि हम इंजॉय करेंगे, लाइक धीरे धीरे मौसम चेंज होगा, पर मार्च के 5th 6th मार्च में आते ऐसे लग रहा है कि अप्रैल क्या, जून जुलाई आ गया हो। तो एकदम से हमारी बॉडी ने अडेप्ट नहीं किया ये सारा, इतना हाई टेम्परेचर, तो हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, थर्स्ट फीलिंग आती है, और स्लीपी तो लगता है, और ब्लोटिंग टायर्डनेस के साथ साथ सारा दिन वीक जो लगता है ना, उसका हमें लगता है कि करे क्या, और हेल्थ इश्यूज़ भी आने शुरू हो गए लोगों को। तो इन सब में हमने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि हमारी हेल्थ अच्छे से रहे, हम एनर्जेटिक फील करें, तो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे जो पहला इम्पॉर्टेंट टिप है, हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है बदलते मौसम में। तो हाइड्रेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी, पानी आपने ज़्यादा लेना है, और पानी में आप नींबू पानी ले सकते हो, बटर मिल्क जो लस्सी है लस्सी ज़्यादा ऐड करें, नारियल पानी ले, कांजी ले सकते हो, काली गाजर की कांजी होगी, जहाँ आप लाइक बीट रूट की कांजी भी बना के ले सकते हो, जल जीरा टाइप, इस तरह के ड्रिंक्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और जो सीजनल फ्रूट हैं, जैसे आजकल है फ्रूट का सीज़न है पपाया, तो पपाया अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि जितने भी वाटरी फूड है फ्रूट है वो ऐड करोगे तो आपको आपकी जो हेल्थ है वो ब्लेसिंग देगी, उनको ठंडा ठंडा लगेगा, तो आपको वो डिहाइड्रेटिंग टाइप फीलिंग नहीं आएगी, आपकी बॉडी जो एनर्जेटिक फील करेगी। और जो वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि अब जो विंटर वाली वेजिटेबल है वो खाने का इतना मन नहीं करता और वो इतनी अच्छी भी नहीं लगती, जो समरी वेजिटेबल्स हैं वो अपनी डाइट में ऐड करें, वो भी एक रिफ्रेशिंग फील देता है, जैसे कद्दू, टिंडा, घिया तोरी, भिंडी चॉप, करेले कम घी में, वो सब सब्जियाँ भी ऐड करें, ये भी आपको एक रिफ्रेशमेंट अपनी डाइट में और हेल्थ में आपको एक ट्विस्ट देगा, और एक हेल्दी वर्जन टाइप आपको एक रिफ्रेशमेंट फीलिंग देंगे। एंड और वॉक जो है, वॉक भी बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, जो मॉर्निंग वॉक है वो ज़रूर करें आउटडोर एक्टिविटी में, जैसे मॉर्निंग में यू कैन से 6 o'clock आधा घंटा ज़रूर आउटडोर एक्टिविटी करें। थैंक यू।